एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, देख रही हूं क्या है आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ इनके दिल में, इनके मन में चल रहा है। व्यूअर्स, ये सभी चीज़ों को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। व्यूअर्स, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। उसके अलग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है और जब यहाँ पर कार्ड्स निकाले जाएं तो अपना और अपने पर्सन का नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार आपको ले लेना है। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं, देखते हैं, जानते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई है, करंट में व्यूअर्स के पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में है। सबसे पहले है केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रेसिस्टिंग, सप्रेसिंग फीलिंग, रॉन्ग मोटिव्स, मिसलीडिंग लायर, वार्म प्लीजेंट, एंजॉयबल, सिक्योर, गुड टाइम, अलोन टाइम, यू एंड मी, लॉस्ट, नो होप, डिस्पेयर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्पिरिट गाइड, पॉसिबिलिटीज, ट्रस्ट, सिजोफीनिया, गिल्ट, साइलेंस, पॉटमिस, एक्सहॉशंस। तो व्यूअर्स, सबसे पहले राशियां बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपका फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एयर एलिमेंट जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका ये हो गया एक्वेरियस की एनर्जी। नंबर्स जो मुझे अभी तक आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिखे वो हैं आपके 2, 8, 9, 17, ये मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिखे। और मंथ आपके हो गए फरवरी, अगस्त एंड आपका सितंबर, जो आपसे अपने पर्सन से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, मुझे ना ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि आपने इस इंसान को एकदम बच्चों की तरह प्यार करा और आप ही वो पर्सन इस इंसान की जिंदगी में बने जिसने इन्हें एक्चुअली में इनके बिना कुछ कहे समझा, इन्हें जाना, और उसके बदले में आपने सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को प्यार दिया, इनकी परवाह करी। लेकिन यहाँ पर बदले में ना ये इंसान गलत लोगों की संगत में आकर मिसगाइड करे गए, मिसलीड करे गए, झूठ और सच के कन्फ्यूजन्स में ये पर्सन उलझे, फंसे, जिसके चलते इस इंसान ने आप पर ही भरोसा नहीं करा, जिसके चलते इस इंसान ने जो इनकी फीलिंग्स आपके लिए थी ना उसे इन्होंने रिसिस्ट करना शुरू कर दिया। और जो भी पॉसिबिलिटीज इस रिश्ते में थी आप दोनों के और करीब आने की, इस रिश्ते के और बेहतर होने की, उन पॉसिबिलिटीज का गला इस इंसान ने उसी पल में जैसे घोट दिया हो, जिस चीज को यहाँ पर ये पर्सन बैठ कर अब समझ रहे हैं, जिस चीज को ये पर्सन बैठ कर कहीं ना कहीं गिल्ट के तौर पर ले रहे हैं, एज एन कि इन्होंने अपनी जिंदगी में जो एक सिक्योरिटी इन्हें मिली, एक एंजॉयबल मोमेंट इन्हें मिला, एक ट्रस्ट इन्हें मिला, एक ट्रस्टेबल इंसान इन्हें मिला, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने कन्फ्यूजन्स के चलते, गलत लोगों की बातों में, उनकी झूठ सच के बातों में आकर इन्होंने अल्टीमेटली अपनी जिंदगी को यहाँ पर एकदम लड़ाई के मैदान के तौर पर बना दिया, या एकदम से अपनी जिंदगी को खामोश इन्होंने कर दिया। अब ये पर्सन व्यूअर्स बोल जो नहीं रहे हैं ना, उसके पीछे का कारण यही है कि समझ रहे हैं कि जिम्मेदारी खुद है, ये जिम्मेदार खुद बने हैं,
यहाँ पर ये पर्सन ना अपने आप को खामोश रखकर उस पल को काफी ज्यादा याद कर रहे हैं जो वक्त था आप दोनों के दरमियान का, जिसमें आप थे, ये थे और एक अच्छा वक्त था, आप दोनों का अकेलापन था, एज एन आप दोनों अपने आप में पूर्ण थे, संपूर्ण थे, आपको किसी की जरूरत नहीं थी, इन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। तो इस पल में ये पर्सन ना अपने आप को चुप रखकर उस मोमेंट में, उस पल में अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको ये पर्सन देख नहीं पा रहे हैं, जो इस इंसान की जो रही सही उम्मीद भी होती है ना, उसको यहाँ पर इन्हीं के हाथों से जैसे टूटते हुए इन्हें फील करा रही हो, या इन्हें ये एहसास दिला रही हो कि ये जो अकेलापन है ये एक दिन इन्हें मार डालेगा, एक दिन इनका गला घोट देगा, एक दिन ये इसी तरह से घुट घुट कर या तो पागल हो जाएंगे या फिर घुट घुट कर ये मर जाएंगे। तो उस तरह की फीलिंग्स इस इंसान के ऊपर जैसे सवार हुई पड़ी है, तो वो मुझे एनर्जी दिख रही है। ठीक है, वही कहते हैं ना कि किसी की बातों में एकदम से नहीं आ जाना चाहिए, या किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इस इंसान ने वही गलती करी, इस इंसान ने किसी के झूठे मास्क को पहचाना नहीं, और ये पर्सन बजाय उसको लेकर कंफ्यूज होने के, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर कन्फ्यूजन को आने दिया। तो वो चीजें मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा मुद्दा दिख रहा है आप दोनों के दरमियान, इस सेपरेशन का के पीछे की वजह का, नो कांटेक्ट के पीछे की वजह का, क्योंकि नो कांटेक्ट तो यहाँ पर मुझे काफी लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है, या फिर ये कह सकते हो कि अपनी बात सही तरीके से अब ये पर्सन नहीं बोल रहे हैं तो उसके भी चांसेस बन रहे हैं। इनका गिल्ट ना व्यूअर्स इस इंसान को इस तरह से डरा रहा है, जैसे मानो कि अब ये कभी भी इस गिल्ट से बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो इतना ज्यादा इनका गिल्ट इनके ऊपर सवार हुआ पड़ा है, वो मैं एनर्जी इस पर्सन की इस वक्त की देख पा रही हूँ। चलिए मैं टैरो से देखती हूँ और कैसा महसूस कर रहे हैं इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर, अब कैसा महसूस कर रहे हैं अब व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं व्यूअर्स को लेकर, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स अब क्या बनी हुई हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन की अब फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स अगेन है तो मुझे फिर लेना पड़ेगा, यहाँ पे है फाइव ऑफ सोर्ड्स, मून, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स फिर से है, सो मुझे बॉटम लेना पड़ेगा जो कि है थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपका टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि भी है, तो राशियां तो सभी हैं, और मुझे ना यहाँ पे आपके लिए नंबर टू यानी कि आपका फरवरी मंथ ही बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। किसी ना किसी तरह से तो आपसे ये रिलेट करता होगा, आपसे, आपकी जिंदगी से, आपके पर्सन की वजह से आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है। देखो इस इंसान के थ्रू जितना ज्यादा अपने आप को समझा जा रहा है उतना ज्यादा ये तो समझ पा रहे हैं कि इनका प्यार आपको लेकर इन्फिनिटी वाला है, या आपका प्यार इनको लेकर जो भी रहा वो इन्फिनिटी वाला था, जिसे नापा तोला कैलकुलेट नहीं करा जा सकता था। लेकिन इस इंसान ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में लाकर इन्होंने वही गलती करी, इन्होंने इस रिश्ते को नापना तोलना कैलकुलेट करना, इस रिश्ते को लेकर हिसाब किताब करना, फायदे और नुकसान इस रिश्ते में देखना शुरू करा, जिसके चलते जो इस रिश्ते से मिल भी रहा था, मिल भी सकता था, वो भी एक गवा बैठे। तो वो सभी चीजें इस इंसान को इस पल में व्यूअर्स काफी ज्यादा उम्मीदों को तोड़ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि इस मिसलीड होने की वजह से ना इस इंसान ने अपने हिस्से कहीं ना कहीं दूसरा ऑप्शन भी देखना शुरू करा। ठीक है, या फिर इस इंसान ने आपके अलग किसी और को भी उस पल में प्रायोरिटी देनी शुरू करी, क्योंकि यहाँ पर
एक मुझे थर्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर इनके मन से आपको उतारकर किसी और ने अपनी जगह बनाने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से कंपैरिजंस करने शुरू करे। जो चीजें कभी आप में अच्छी लगती थी, वो सभी चीजें इस इंसान को आप में ही बुरी लगने लगी या आप में ही कम अधूरी लगने लगी, क्योंकि ये पर्सन उस चीज को बैठ कर कहीं ना कहीं और ज्यादा निराश हो रहे हैं और ज्यादा दुखी हो रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है व्यूअर्स, अगर अब आज के बारे में बात करी जाए ना, तो अब आपके पर्सन के मतभेद उन्हीं संबंधों में हो रहे हैं जिन संबंधों पर इस इंसान ने, जिन रिश्तों पर इस इंसान ने आंख बंद करके भरोसा करा और इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते में आपका विश्वास तोड़ा। ठीक है, अब इस इंसान को उन्हीं चोटों का या तो एक्सपीरियंस हो रहा है या वही चोटें इस इंसान को इस रिश्ते में रहकर मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान ने आपको एक ऑप्शन बनाकर कहीं ना कहीं इस ऑप्शन की तरफ बढ़कर आपको या आपके साथ के रिश्ते को तोड़ना उचित समझा। लेकिन अब यहाँ पर ये रिश्ता भी इस इंसान को रास नहीं आ रहा है, ये रिश्ता भी इस इंसान को वो सुकून नहीं पहुंचा पा रहा है, तो वो मैं एनर्जी इस पर्सन की देख पा रही हूँ। पॉसिबिलिटीज ये भी बन रही है कि अब ये पर्सन कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से हर्ट होकर, इन्हीं चीजों से तकलीफ पाकर अब आपके बारे में, आपके जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या इनके जो भी फ्रेंड्स हैं ना, उनसे ही आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। एज इन, क्योंकि यहाँ पर फिर से इनके माध्यम से कंपैरिजन करा जा रहा है, जिसमें अब ये पर्सन आपको ऊपर रख रहे हैं और इस थर्ड एनर्जी को, इस संबंध को, इस रिलेशन को इनके थ्रू अब काउंट भी नहीं करा जा रहा। तो मुझे ऐसे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन जैसे सोशल मीडिया पर आपके बारे में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के बारे में अब बातचीत कर रहे हैं या आप के साथ के रिश्ते की तरफ बढ़ने की अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इस रिश्ते में आपकी तरफ बढ़ने का अगर ये डिसीजन लेते हैं तो उसमें आपसे क्या मिलने की पॉसिबिलिटीज है, उस विषय में इनके माध्यम से बात करी जा रही है। और माध्यम यहाँ पर सोशल मीडिया बना हुआ है और ये अपने दोस्तों से डेफिनेटली अब आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। और व्यूअर्स, जितना ज्यादा इस इंसान को ना अपने दोस्तों से आपके बारे में नॉलेज मिल रही है, आपके बारे में खबर मिल रही है, उतना ज्यादा ये पर्सन आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर इनकी जो फीलिंग्स हैं वो यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। या फिर एक होता है ना कि इंसान को जब सच और गलत का समझ में आता है तो उस इंसान के पैरों के नीचे से जमीन जैसे मानो खिसक जाती है, तो वही चीजें इनके साथ हो रही हैं। ये पर्सन जितना ज्यादा आपके बारे में जानकारी हासिल कर पा रहे हैं कि जिन जिन चीजों को लेकर इस इंसान ने आपका कंपेरिजन करा, आप पर भरोसा नहीं करा, वो सभी चीजों के पीछे कोई सच था ही नहीं या वो सभी चीजें झूठी थी, उतना ज्यादा ये पर्सन आपको लेकर भावुक हो रहे हैं या उतना ज्यादा इस इंसान को यहाँ पर वो तकलीफ अपने हिस्से आते दिख रही है, जो उस तकलीफ के कारण आप नहीं कोई और थे लेकिन इन्होंने आपको उसका कारण बनाया। उसके अलग मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि जो जिन चीजों को लेकर ये पर्सन आपको लेकर नेगेटिव हुए या आपके ऊपर इन्होंने ब्लेम्स लगाए या इस रिश्ते को इन्होंने कंफ्यूजन्स में छोड़ दिया और उन्हीं चीजों को लेकर इस इंसान ने आपसे आर्ग्यूमेंट्स करे, आपसे लड़ाई झगड़े करे, ये पर्सन उन सभी चीजों को लेकर भी एक क्लैरिटी जैसे पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो भी वजह बनी आपके और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और सेपरेशन के पीछे की, यहाँ पर वो सच आपके पार्टनर को क्लियर हो रहा है, वो सच इनके सामने निकल कर बाहर आ रहा है। ठीक है, और जितना ज्यादा वो सच यहाँ पर बाहर निकल कर बाहर आ रहा है, उतना ज्यादा ये पर्सन अब अपने आप को उस सिचुएशन में पा रहे हैं जहां पे आप समझ पा रहे थे कि ये ऐसा करके आपसे लड़कर अपने आप को, आपको ही नहीं इस रिश्ते को ही खत्म नहीं कर रहे हैं, अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को भी स्टक कर रहे हैं। इस इंसान को ये चीजें जितना ज्यादा गिल्ट में लेकर जा रही हैं, उतना ज्यादा अपने रास्तों को ये कठिन बनते हुए देख रहे हैं। यानी कि जो रास्ते कभी इस इंसान को ऐसे फील होने लगे थे कि इन्होंने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से अपने रास्तों को क्लियर कर लिया या एक सही निर्णय ले लिया या एक सही डिसीजन इन्होंने लेकर
बहुत सही फैसला इन्होंने लिया। अभी ये इंसान अपने ही लिए हुए फैसले से क्योंकि डर फील कर रहे हैं या डरे हुए बैठे हैं, इसी रीजन की वजह से ये पर्सन गिल्टी भी फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ये इंसान सच और झूठ, सच और इल्यूजन, इन सब में फर्क करना सीख रहे हैं। ठीक है, आपने ना इस इंसान को अपनी तरफ से अपने आप को सच साबित करने के लिए, मतलब एक क्लैरिफिकेशन देने की आपने बहुत कोशिश करी, जिन चीजों को लेकर आप पर ब्लेम्स लगाए गए, आपको अपने आप से दूर करा गया, उन सभी चीजों को लेकर इस इंसान तक आपने पहुंचने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, लेकिन इस इंसान ने आपको हर बार इग्नोर करा या हर बार एक नया ब्लेम, एक नया आरोप लगाकर इस इंसान ने चुप्पी साध ली। लेकिन इस पल में ये पर्सन आपकी कही हुई हर एक बात को जैसे याद कर रहे हैं, या आपकी हर एक बात कही हुई इनके कानों में गूंज रही है, या आपके साथ हर एक मोमेंट बिताया हुआ इस इंसान को स्ट्रेस दे रहा है, इस इंसान को याद आ रहा है, वो उतना ही ज्यादा इस इंसान को यहाँ पर गिल्ट में लेकर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ फालतू की चीजों पर ध्यान दिया, ना कि उस सच पर ध्यान देने के जो कहीं ना कहीं इन्हें आपसे अपने अच्छे वक्त से दूर लेकर जा रहा था। इन्होंने डेफिनेटली जल्दीबाजी में डिसीजन लिया और अब ये पर्सन उस जल्दीबाजी में लिए हुए डिसीजन को अब चाह कर भी सुलझा नहीं पा रहे हैं, बदल नहीं पा रहे हैं, और वही सभी चीजें आपके पार्टनर को इस वक्त में भी बस बहुत ज्यादा तकलीफ में या डर में लेकर जा रही हैं। चुनौतियां इन्हें अपने आसपास बहुत सारी नजर आ रही हैं। ठीक है, एज एन इन्हें ये तो समझ में आ रहा है कि मंजिल क्या है, लेकिन उस मंजिल में अब ये कामयाब होंगे पाने में या नहीं, या इस मंजिल को पाने के लिए क्या क्या कीमत इन्हें चुकानी पड़ेगी, किस तरह से आप इन्हें मिलोगे, किस तरह से आपको ये जीत पाएंगे, आप यहाँ पर अब इस रिश्ते में बदला लेने की उम्मीद रखते हो, क्योंकि इतना आप पर ब्लेम्स लगाया या आपको दोषी करार करा गया, या फिर अब आप इस रिश्ते को पूरी तरह से इसी तरह से खत्म ही रहने देना चाहोगे। ये सभी चीजें इस इंसान को काफी ज्यादा डर में लेकर जा रही हैं, या काफी ज्यादा चुनौतियां इन्हें अपने सामने खड़ी होती हुई फील हो रही हैं। देखते हैं इस एनर्जी के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देखती हूँ व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए इन सब एनर्जी, इन सब स्टेट ऑफ माइंड के बाद व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। You are on my mind all the time. तो आप क्यों इनके दिमाग में चल रहे हो हर वक्त हर समय, आप ये चीजें समझ रहे होंगे, क्योंकि ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप इनके दिमाग में हर वक्त चल रहे हो, क्योंकि अब आप ही के बारे में ये पर्सन खुद भी बात कर रहे हैं और इनके दोस्त यार भी आप ही के बारे में इन्हें नॉलेज दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आई प्रे टू गॉड टू गेट यू बैक, अब ये बहुत ज्यादा आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि आपको वापस से इनकी जिंदगी में दे दिया जाए। I want to spend my whole life with you, कहना चाह रहे हैं कि अभी अपनी सारी जिंदगी आपके साथ ही बिताना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं। I am jealous to see you with someone else, हो सकता है उस पल में जो इन्होंने आप पर ब्लेम्स लगाए तो वो उसके पीछे का कारण था, इन्होंने आपको किसी के साथ देखा, इसी जेलसी की वजह से इस इंसान ने अपनी जिंदगी में किसी और को आने का मौका दे दिया, किसी और को इन्होंने प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी। तो ये पर्सन अब वो चीज आपके सामने क्लियर रखना चाह रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप, कहना चाह रहे हैं कि सोने से पहले अब अगर कुछ याद आता है ना तो वो आपके साथ बिताया हुआ वक्त। आई स्टॉक यू, कहना चाह रहे हैं अब ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कुछ तो अपने आप से कर रहे हैं, तो कुछ अपने फ्रेंड्स के माध्यम से आपको यहाँ पर स्टॉक इनके माध्यम से करा जा रहा है, यानी कि निगाहें अब इस इंसान की आप ही को ढूंढ रही हैं व्यूअर्स, ये चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स ये डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है, मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स निकाल रही हूँ, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। सबसे पहले है इनविजिबिलिटी सर्विस एंड डिवाइन साइट,
देखो बेसिकली ना डिवाइन आपसे यहाँ पर ये बोल रही है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर इनविजिबल हैं, जो आपको लग रही है कि मेरी जिंदगी में किसी भी तरह की खुशियां नहीं है, क्या मेरी जिंदगी में कोई रोशनी है या नहीं। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाह रही है कि डेफिनेटली आपकी जिंदगी में खुशियां हैं, स्टेबिलिटी है, एक अच्छा बेहतर रिश्ता है, लेकिन वो अभी आपके सामने आया इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी आपने अपनी मन की आंखें खोली नहीं रखी हैं या अभी आप उस सच को देख ही नहीं पा रहे हो जो आपके लिए ही है। आप नहीं समझ पा रहे हो कि डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ हर जगह पर है, हर पहलू पर आप ही के साथ है, क्योंकि आप अपने ही डर में हो, अपने ही कंफ्यूजन में हो, इसी के चलते आप उस डिवाइन को, उनके सपोर्ट को, उनके सहारे को देख नहीं पा रहे हो। आपको वो चीजें दिखेंगी लेकिन वो तब दिखेंगी जब आपका मन साफ होगा, यानी कि आपके मन से नेगेटिविटी, कन्फ्यूजन, डाउट्स, डर, ये जब सब खत्म हो जाएंगे ना, वो तब अपने आप आपको दिखने लगेंगी कि डिवाइन हर कदम पर आपके साथ हैं। और वो सभी चीजें कैसी होंगी, जब आप बिना किसी फायदे के आप खुले दिल से लोगों की मदद करोगे, ठीक है। चाहे ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली वे में पैसा देकर आपको मदद करनी है, किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में आप जाकर किसी भी तरह की सेवा दे सकते हैं, जैसे कि होता है कि बर्तन वगैरह आप धो सकते हैं, शूज वगैरह की आप सेवा कर सकते हैं, तो आपको किसी भी तरह की सेवा करनी है, या डॉग फीड, एनिमल्स फीड आप करा सकते हैं, किसी गौशाला में जाकर गाय को आप चारा, हरा चारा आप दे सकते हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी सर्विस आप अपनी लाइफ में ऐड कीजिएगा, फिर उसके बाद आपको अपने आप खुद से वो चीजें दिखने लगेंगी जो अभी आपके सामने इनविजिबल है। तो बेसिकली आपसे यूनिवर्स ये बोल रही है कि आपकी जिंदगी में आपको अब जरूरत है सर्विस देने की, ठीक है, तभी आपकी जिंदगी में जो आपका है वो आपको मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो, एक हाथ से जो दे रहे हो वो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। उस तरह से जब आप निष्पक्ष यहाँ पर सेवा करोगे, डेफिनेटली आपका दूसरा हाथ अपने आप डिवाइन की तरफ से भरता चला जाएगा। तो ऐसा आपसे यूनिवर्स से डिवाइन बोल रही है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाई अपने आप को। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन लाइक आपने अभी तक नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, क्लेम ग्रेटिट्यूड जरूर से कीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूं मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय बाय।